तो कैसे आप सभी, आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। मैं प्रकाश नवल फिर से हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं करने वाला हूँ BOMI की अनबॉक्सिंग और कैसे उसे कनेक्ट करते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, ये बताने वाला हूँ। एक बात और फ्रेंड्स, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के लिए है। ये BOMI मैंने 400 रुपए में होलसेल मार्केट से खरीदा है। आप इसे Amazon.in से भी परचेज कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। करते हैं बॉक्स की अनबॉक्सिंग। ये मैंने पहले अनबॉक्स कर दिया, इसको यूज़ करने के लिए देखा था मैंने, तो मैं आपको दिखाने के लिए फिर से अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो चलिए ओपन करते हैं। ये कुछ मैनुअल गाइड, इसको आप पढ़ के यूज़ कर सकते हो। फिर आता है इसके अंदर ये BOMI का माइक और फिर इसके अंदर एक और किताब और फिर एक रेगजिन पाउच BOMI का। और ये माइक फिल्टर एंड क्लिप। सो फ्रेंड्स, फिलहाल इन सब चीज़ को रखते हैं साइड में और हम ओपन करते हैं अपना माइक। बहुत ही लंबी वायर है इसकी, 5 मीटर के करीब इसकी वायर है लंबी। और इसके अंदर देखते हैं गाइस, इस माइक में मिलते हैं 2 मोड। आप इसको कैमरा में भी यूज़ कर सकते हो और स्मार्टफोन में भी यूज़ कर सकते हो। स्मार्टफोन में यूज़ करने के लिए आपको इसमें सेल नहीं लगाना होगा, सिर्फ इस बटन को आपको नीचे स्विच कर देना है और इस 3.5 ऑडियो पिन को स्मार्टफोन के अंदर इंसर्ट कर देना है। आप इसको कैमरा में भी यूज़ कर सकते हैं। कैमरा में यूज़ करने के लिए आपको इस बटन को ऊपर की तरफ स्विच करना है और अंदर की तरफ ये सेल लगाना है। ये सेल भी आपको BOMI की पैकेजिंग के अंदर मिल जाएगा। सो फिलहाल अभी इसको करते हैं बंद। हम अभी इस BOMI को करने वाले स्मार्टफोन के अंदर यूज़, तो इसको करते हैं स्विच को नीचे। गैस, मैंने जब इस माइक को पहले यूज़ किया तो मुझे लगा ये माइक ख़राब निकल गया और मैंने कई दिनों तक इसका यूज़ भी नहीं किया। लेकिन मैंने जब इस माइक के बारे में सर्च किया तो मुझे फाइनली इस माइक का यूज़ करना आ ही गया। फिर मैंने सोचा कि आप में से भी कई लोगों ने इस माइक को परचेज किया होगा और आप इस माइक को इस्तेमाल नहीं कर पाए होंगे, तो कहीं आपने इस माइक को फेंक ना दिया हो, इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। गैस, जिस किसी को भी व्लॉगिंग और यूट्यूब वीडियो से रिलेटेड गियर्स चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उस प्रोडक्ट की जानकारी आपको बता दूंगा और कहाँ से सस्ता मिलेगा वो प्रोडक्ट ये भी बता दूंगा। तो चलिए बताता हूँ इस माइक को आप कैसे यूज करें। सबसे पहले इस माइक के साथ आपको मिला होगा ये फिल्टर, इसको आपको यहाँ लगा लेना है ऐसे। फिर आपको मिला होगा ये क्लिप, इस क्लिप को आपको यहाँ पे फिट कर देना है ऐसे। फिर उसके बाद आपको इस क्लिप को अपने कॉलर पे हैंग कर देना इस तरीके से। देन उसके बाद आपको 3.5 mm पिन को अपने फोन के अंदर इंसर्ट कर देना है। तो चलिए मैं कर देता हूँ इंसर्ट। मैंने पिन को कर दिया है इंसर्ट। गाइस, इस माइक को आप डायरेक्टली कैमरा से यूज़ नहीं कर सकते हो। इस माइक को यूज़ करने के लिए आपको प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है ओपन कैमरा। मैं इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा,
आप चाहो तो डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको ऐप को डाउनलोड करना है और कैसे आपको अपना बोया माइक यूज करना है। लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और सर्च में लिखना है ओपन कैमरा। फिर आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन नजर आएगा। मैंने पहले ही इसको डाउनलोड किया हुआ है, तो आप डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन कर ले। अब मैं ओपन पे क्लिक कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद आपको ये इंटरफेस नजर आएगा। फिर आपको सिंपली सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करके आपको वीडियो सेटिंग पर क्लिक करना है। वीडियो सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से स्क्रॉल डाउन करना है। देन आपको ऑडियो सोर्स पे क्लिक करना है। ऑडियो सोर्स पे क्लिक करने के बाद आपको एक्सटर्नल माइक पर क्लिक करना है। अब आपकी सेटिंग हो चुकी है। सो गाइस, हमने कर लिया है बोया माइक को कनेक्ट। अब आप खुद ही देखिए ऑडियो में बिफोर और आफ्टर का फर्क। दोस्तों, हमने भी ले लिया है बोया माइक अपने वीडियो की ऑडियो की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए। और अब से मैं अपने आने वाली सारी वीडियोस में इस माइक को करने वाला हूँ यूज और आपको देने वाला हूँ बेटर ऑडियो क्वालिटी। आई होप आपको भी समझ आया होगा कि कैसे किया जाता है ये बोया माइक यूज, और आपने भी किया होगा वीडियो को एंजॉय। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर वीडियो में लगी है कुछ खराबी तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए। और ये वीडियो हो सकती है आपके किसी मित्र के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी, तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।